हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास टेंथ। टुडेज इन माय वीडियो लेक्चर फर्स्टली वी डिस्क्राइब द इवेंट्स एंड टॉपिक्स एंड वर्ड्स ऑफ द एनसीईआरटी सच एज इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंस टू अस। स्टूडेंट्स, इसके पहले चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड पढ़े थे और उस कंपाउंड का हमने इम्पॉर्टेंस देखा था। उस कंपाउंड की इम्पॉर्टेंस क्या है इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स, कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड का हम स्टडी करेंगे एंड दियर प्रॉपर्टीज और उसके प्रॉपर्टीज़ को। आल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एंड एलिमेंट्स। इसमें कार्बन एक एलिमेंट्स है, इसके विषय में जानेंगे एंड अदर इट्स विच इज ऑफ इमर्स सिग्निफिकेंस, जिसका सिग्निफिकेंस भी हम देखेंगे टू अस इन बोथ ईस्ट एलिमेंटल फॉर्म एंड इट्स कम्बाइंड फॉर्म। तो कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म और कम्बाइंड फॉर्म का हम स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ को एक एक्टिविटी शो किया गया है। एक्टिविटी जो यहाँ दिखाया गया है, पॉइंट फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? पॉइंट फर्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 things। आप जो है 10 things का लिस्ट बनाएंगे, ये आपको वर्क दिया जाता है। यू हैव यूज आर कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग, जिसका आप यूज या जिसका कंज्यूम आप मॉर्निंग में करते हैं। तो ऐसे 10 things का आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। पॉइंट सेकेंड क्या है? कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाई योर क्लासमेट, और अपना लिस्ट अपने क्लासमेट के साथ भी आप कॉम्बिनेशन करेंगे कि आपने 10 things का कौन सा लिस्ट बनाया और आपका क्लासमेट जो है उस 10 things का कौन सा लिस्ट बनाया। एंड देन इसके बाद सॉर्ट देम आइटम्स इनटू द एसेंट टेबल्स। ओके, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, इफ दियर आर आइटम, यदि आइटम विच आर मेड अप ऑफ, जो बना हो मोर देन वन मटेरियल, जो एक से अधिक मटेरियल के बने हो, पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द टेबल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में आप जो है 10 things का जो है जो मॉर्निंग आप यूज़ करते हैं उसका लिस्ट आप डिनोट करेंगे, से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ऐसे 10 things जो मॉर्निंग में आप यूज़ करते हैं उसका या कंज्यूम करते हैं उसका लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आप चेक करेंगे, क्या चेक करना है कि वो थिंग्स मेड ऑफ मेटल, वो 10 things जो मेटल के बने हो। इसके बाद थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, और वह जो है ग्लास के बने हो, या अदर्स के। तो वह थिंग्स मेटल के हैं कि ग्लास के हैं कि अदर्स के हैं, तो वह जो 10 things आप प्रिपेयर करेंगे उनको आप इसी में क्लासीफाई करेंगे कि दैट थिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स आर ग्लास क्ले आर अदर्स। ओके, लुक एट द आइटम, आप आइसम आइटम को देखेंगे दैट कम इन द लास्ट कॉलम, जो लास्ट कॉलम में है आप एबव टेबल, टेबल के लास्ट कॉलम में जो कॉलम आपका ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इस थर्ड कॉलम में आप आइटम को जो है देखेंगे कि जो आइटम आपने लिया है, फिल्ड बाय यू योर टीचर
will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. और वह क्या कार्बन कंपाउंड से बने हैं? कैन यू थिंक्स, क्या आप सोच सकते हैं? आप ए मेथड टू टेस्ट दिस, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ ए कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, यदि ये कंपाउंड कार्बन का बना हो, इस बर्ड तब उसको जलाइए. डू यू नो, आप जानेंगे ऑफ एनी टेस्ट ऑफ द कन्फर्म दिस, तब उसको जलाने के बाद आप उसको कन्फर्म करें. क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ब्लैक स्मोक उसमें से रिलीज होते हैं. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ आपको एक पॉइंट यहाँ शो कर दे रहे हैं कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसको आप जो है बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. O2 के प्रेजेंस में क्या करना है आपको? बर्न करना है. तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन का बना है, तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं. वह CO2 एंड H2O एंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, जिसे हम लाइट एनर्जी कह सकते हैं और हीट कह सकते हैं, प्रोड्यूस करता है. तो स्टूडेंट्स ये जो 10 थिंग्स की बात हम अपने मैंने NCERT कह रहा है कि 10 थिंग्स आप जो है कि यू अब मॉर्निंग में जो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको लेंगे. इसके बाद क्या करना है कि आपको उनको जो है इस टेबल में सेट करना है कि वह थिंग्स ये मेटल के बना है, कि वह थिंग्स आपके ग्लास के बने हैं या अदर के बने हैं. और अगर अदर के बने हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उस अदर मटेरियल को चेक करेंगे कार्बन का है कि अदर का है. तो उसके लिए वो उसको बर्न करेंगे. बर्न करने पर हमने जो प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऑप्टेन होता है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फूड, क्लाथ, मेडिसिन, बुक्स आर मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आल आर बेस्ड ऑन दिस वर्साटाइल एलिमेंट्स कार्बन्स. तो स्टूडेंट्स ये जो आप फूड्स है, फूड, क्लाथ, मेडिसिंस, बुक्स, दीज आर मेनली कार्बन कंपाउंड्स. ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. इन एडिशन ऑल थिंग लिविंग थिंग्स स्ट्रक्चर्स आप कार्बन बेस्ड. और ये भी देखते हैं कि जो लिविंग्स आल लिविंग्स होते हैं वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं. द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फियर इज क्वाइट मेजर. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड कार्बोनेट्स. स्टूडेंट्स अर्थ क्रस्ट में अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अमाउंट जो है 0.02% है, वो मिनरल फॉर्म में लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम. इस तरह से कार्बन के अमाउंट अर्थ क्रस्ट में 0.02% दिखाया गया है. और ये जो है डिफरेंट फॉर्म में अपेन होता है. इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, कार्बन जो है नेचर में अवेलेबल है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट कार्बन एंड कार्बन की प्रॉपर्टीज को. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में
कार्बन की प्रॉपर्टी का हम स्टडी करेंगे और कार्बन की इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि कार्बन का क्या इम्पॉर्टेंस है लाइफ में। तो इसमें इस वीडियो में हमने कार्बन्स, व्हाट इज़ कार्बन, कार्बन क्या होता है और कार्बन से रिलेटेड जो हम यूज़ करते हैं मॉर्निंग टाइम या मैंने जो भी लाइफ में, तो विच इज़ मेड बाय कार्बन्स आर नॉट, तो सो यू प्रिपेयर ए लिस्ट अप नियर अबाउट 10 थिंग्स दैट इज़ मेड अप कार्बन्स एंड 10 थिंग्स दैट इज मेड अप नॉन कार्बन्स कंपाउंड्स। तो सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन कार्बन्स। सो थैंक्स।